वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फोर्थ चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डाइहाइब्रिड कोर्स हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो फर्स्ट लॉ थी जो कि मैंने आपको बताया था जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थी। और ये जो लॉ है ये मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। किस पे बेस है? डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। और सेकंड बात इसमें ये जो बतानी थी कि ये जो मेंडल की जो फर्स्ट लॉ थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो यूनिवर्सल लॉ थी, उसकी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं थे। बट ये जो लॉ है मेंडल की, जो सेकंड लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसे कि एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का तो हम इसका मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये जो लॉ है डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है, तो दो करैक्टर हमें लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने एक सीड की शेप ले ली राउंड और सीड का कलर ले लिया, यही था ना डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने यही करवाया था। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये क्या कहती है कि जब गमेट्स बनते हैं तो कोई भी गमेट, दोनों करेक्टर के जो जीन्स हैं आप में किसके साथ भी असोर्ट हो सकते हैं। जैसे आर जरूरी नहीं आर के साथ ही रहेगा, ये क्या होगा जैसे गमेट्स की फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, ये तो हमारे पेरेंट्स हो गए, फिनोटाइप हो गया ना, सॉरी राउंड और येल्लो, ये कैसे हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये तो हमारे हो जाएंगे फिनोटाइप या पेरेंट्स हो जाएगा। ये जो है जीनोटाइप है, ये क्या है जीनोटाइप है। ठीक है, अब देखो अब गमेट्स बनाएंगे हम, आर वाई हो जाएगा इधर से, ये आर वाई हो जाएगा इधर से, ये तो मतलब जो आर है सेग्रीगेट होने के बाद इससे अलग हो गया, जो इसके साथ का जो सेम जीन था इसके साथ मतलब सोर्ट कर लिया, इसने पेयर बना ली वाई वाले जीन के साथ पेयर बना लिया ना। तो इसका मतलब ये है मेंडल की जो सेकंड लॉ है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जीन, कोई भी क्रोमोसोम्स किसी के साथ भी पेयर बना सकता है, किसी के साथ भी अपनी जो है पेयरिंग दिखा सकता है सेग्रीमेंट मतलब सेग्रीगेट होने के बाद, एग्रीगेट मतलब अलग होने के बाद वो किसी के साथ भी मतलब पेयरिंग कर सकता है। जैसे फॉर हम इस लॉ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मोहन है, सोहन है, ठीक है, रितिका है एंड कोई और लगा लो, कौन लगाओ, कोमल है, ठीक है, सालू है, ये हैं सब। अब मान लो ये मोहन सोहन आपस में बैठ सकते हैं साथ में, रितिका कोमल ये साथ में बैठ सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि रितिका कोमल के साथ ही बैठे, कोमल सालू के साथ ही बैठे, मतलब कोई भी किसी के साथ भी जाकर अपने पेयरिंग बैठ सकता है। आप स्कूल में भी बैठते हैं ना क्लास में, कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में किसी एक के साथ थोड़ी ना बैठे रहते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे ही ये जो मेंडल की जो लॉ है यही कहना चाहता है कि कोई भी जीन्स सेग्रीगेट किसी के साथ भी असोर्ट हो सकता है, किसी के साथ भी पेयरिंग दिखा सकता है। जैसे कि ये पहले ये दोनों साथ थे, आर वाले जीन राउंड वाले साथ थे, येलो वाले एक साथ थे, बट अलग होने के बाद राउंड वाला येलो के साथ चला गया, ठीक है, इधर रिंकल्ड वाला ग्रीन के साथ चला गया, मतलब अलग अलग हो गए, तो किसी के साथ भी पेयरिंग, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखी नोट्स में। तो ये था ये जो कि मेंडल की सेकंड लॉ है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है हमारा, कौन सा आता है, अक्वायर्ड करैक्टर एंड इनहेरिटेड करैक्टर। और ना इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है इवोल्यूशन आता है, कौन सा आता है इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द चेंजमेंट इन ए पॉपुलेशन बाय द वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम मैनी ईयर्स
या फिर ये कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सालों से क्या आता रहा है, चेंजमेंट आता रहा है, ठीक है। इन चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन इतने इकट्ठे हो जाते हैं, चेंजमेंट इतने इकट्ठे हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन, जिससे एक नया स्पीसीज बन जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब किसी भी स्पीसीज में धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन टाइम के साथ जो चेंजमेंट आता है, और ये चेंजमेंट इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आने वाले टाइम के साथ एक नया स्पीसीज बन जाता है, और वो नया स्पीसीज जो होता है ना पुराने स्पीसीज से बिल्कुल अलग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इवोल्यूशन के बाद एक क्रम और आती है जिसका हम एग्जांपल लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होते हैं, एनी चेंज इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, एनी चेंज इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जितने भी चेंजमेंट बदलाव जो आते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और वेरिएशंस आने से ही क्या होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, पेरी एक्सिस्टिंग स्पीसीज, एक पुराने स्पीसीज से नया स्पीसीज बनाना, ये भी डेफिनेशन किसकी हो जाती है, इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन किसकी वजह से होते हैं, वेरिएशंस की वजह से। कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं इवोल्यूशन के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पहले हम, हमारा जो पूर्वज था, हमारा जो अनस्टर था, वो कौन था, ऐप थी, मंकी थी, ठीक है। मंकी को आपने देखा ही होगा कैसे होते हैं, मंकी टेल होती है, ठीक है, एंड फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स होती हैं, ठीक है, बाल होते हैं पूरी बॉडी पे, देखा वो जो मंकी के फीचर्स होते हैं। बट उस मंकी में एकदम से चेंजमेंट आते रहे धीरे धीरे धीरे, और वो क्या बन गया, एक ह्यूमन बन गया, एक आदमी बन गया, ठीक है, ह्यूमन का स्पीसीज बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अभी ह्यूमन है बिल्कुल अलग है मंकी से, ठीक है। तो आने वाले टाइम में किसी भी पुराने स्पीसीज इतना चेंज आ जाए कि वो एक नया बन जाए, उसे ही हम बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि हम और अदर एग्जांपल हम लेते हैं,